Very good morning, student. Myself Arunam Chatterjee, and today I am going to explain a very interesting topic from organic chemistry, that is calculation of formal charge for a given reaction intermediate. तो कैसे formal charge हम लोग find out करते हैं, इसके लिए formula मैंने पहले से लिखा हुआ है. Formal charge on the carbon atom. कार्बन एटम इसलिए क्योंकि जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे उसमें सेंट्रल एटम कार्बन होगा, एंड दिस इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन. अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. और बॉन्ड पेयर्स का मतलब होता है द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर यूटिलाइज टू फॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड. सबसे पहले हम लोग यहां पर कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट को ले लेते हैं, और इसमें शुरू से ही देख रहे हो कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज. ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बो केटायन में कार्बन तीन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन. जिसका मतलब ये होता है कि ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. ऑक्टेट नहीं होने के कारण ये अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को यहाँ पर प्लस चार्ज से डिनोट किया जाता है. लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज तो हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के कारण लिख दिए, लेकिन वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होगा. ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन मेथड. तो सबसे पहले यहां तो सेम फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोकेटायन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एटम. कार्बन का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फोर, माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पर कोई अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जीरो माइनस वन बाई टू इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. कितने बॉन्ड बन रहे हैं, वन टू थ्री. हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में सिक्स इलेक्ट्रॉन. अब इसे जब सॉल्व करोगे तो प्लस वन यूनिट चार्ज सो होगा, और उसी वन यूनिट चार्ज को यहाँ पर हमने मेंशन करके लिखा हुआ है कि कार्बोकेटायन पर वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा. इसी प्रकार से अगर हम कार्बेनियन के बारे में डिस्कस करें तो कार्बेनियन में तुम देख सकते हो कि कार्बन का तीन बॉन्ड, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वन यूनिट नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बेनियन में कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, क्योंकि हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड में सिक्स इलेक्ट्रॉन और वन अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल क्या हो जाएगा, एट इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर वन यूनिट नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ये वन यूनिट नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, इसी को हम लोग यहां पर देखेंगे. फिर वही फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम ऑफ कार्बेनियन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, इसको फोर लिखना. टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, दो, माइनस वन बाई टू. कितना बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड, यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन. सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा माइनस वन यूनिट नेगेटिव चार्ज.
ये वन यूनिट नेगेटिव चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। और अब सबसे लास्ट में फ्री रेडिकल में कार्बन का चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर फ्री रेडिकल कार्बन, तो ये अनस्टेबल है। ये क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यहां भी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड है। तो 6+1 टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के पास, 7, जो कि ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टेबिलिटी ऑफ द गिवन फ्री रेडिकल। तो इसमें फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर वही होगा कार्बन का चार्ज माइनस टोटल नंबर ऑफ अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो यहां लिख देंगे 1 - 1/2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कार्बन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। कार्बोकेटायन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, कार्बेनियन पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, और फ्री रेडिकल पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर देन यू मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड एंड यू मस्ट सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।